हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक इन्फो के ऊपर। आज मैं आपके लेके आया हूँ एक नई वीडियो। आज की वीडियो में भाई तुम्हारे क्या बताएगा, मैंने कहा था एक हैक लेके आऊंगा, एक ट्रिप से कुछ लेकर आऊंगा आपके लिए। तो उसी के अंतर्गत मैं सोच रहा था लाने के, लेकिन गूगल ने किसी कारणवश मेरा जो ऑफिशियल जो मेरा अकाउंट था जिसमें सब काम करता था उसे किसी तरह बंद कर दिया, और मेरे फोन में है नहीं और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। मेरी काफ़ी फोटोज जो हट गई हैं, मेरे काफ़ी कॉन्टैक्ट वगैरह चले गए हैं, तो इसलिए मुझे अभी अपने यूट्यूब वाले अकाउंट से ही जो है अभी चला रहा हूँ सब कुछ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, अपने प्ले स्टोर पर जाना है और सर्च करना है फुल बैटरी अनसेफ्ट अलार्म। दोस्तों ये इस तरह का आपको आ जाएगा, ये यहाँ पर थर्ड नंबर पे आएगा ये ऐप, आपको ऐप इंस्टॉल करना है। अब मैं बता दूँ ये ऐप है किस लिए। अब आप किसके नाम से तो पता लग ही होगा कि ये ऐप जो है किस तरह का अलार्म है। तो ये अलार्म क्या बताता है, देखिए आपको अक्सर लोग जो है रात को अपने फ़ोन वगैरह चार्ज करते हैं तो उसे चार्ज पर लगा देते हैं और उसको सुबह देखते हैं, ठीक है, तो वो रात को चार्ज हो जाता है ऑटोमेटिकली, उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है कट हो जाती है। लेकिन अगर फिर भी आपको ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन में ये फीचर नहीं होता, मेरे में ये फीचर नहीं है, तो मैंने ये किया एक ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ढूंढी। ये मैंने खुद जो है कल रात टेस्ट की थी, मैंने 12:30 बजे चार्जिंग लगाया और करीब करीब सुबह 4:45 बजे जो है इसने अलार्म बजा करके 100% बैटरी फुल होने का मुझे जो है वो दे दिया, अलार्म बज गया। तो सबसे पहले इसको आप इंस्टॉल करिएगा, सिंपल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है 60%, 97% एंड डन, 98 एंड एंड डन 100 हो जाएगा, पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, 99 हो गया, आप देख सकते हैं। और इंस्टॉलिंग दोस्तों अभी ये थोड़ी देर में ओपन का बटन आ जाएगा, हम इसे ओपन करेंगे, उसके बाद उसके पहले हम क्यों करेंगे, इंस्टॉल हो गया, अब हम इसे ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद जैसे ही ये ओपन होगा आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने फ़ोन के अंदर जो है चार्जर लेना है और चार्जर को आपने क्या करना है, पहले तो ये आपसे बोलेगा हेलो थैंक यू फॉर यूजिंग दिस एप्लीकेशन, परमिशन मांगेगा, ओके करना है। देखिए दोस्तों कुछ परमिशन ये मांगता है, ओके करिएगा। कौन सा अकाउंट जो है इसके अंदर लॉगिन करना चाहते हैं, तो मैं ये कर लेता हूँ, ये कर लिया मैंने अपना एक अकाउंट, देख सकते हैं अलाउ वाइल यूजिंग, अलाउ करना पड़ेगा। 7 घंटे 12 मिनट का बैटरी बैकअप देगा ये हमको, गुड है, 21 डिग्री सेल्सियस है, सुबह 10 डिग्री बता रहा था, और अभी ये जो 86% बैटरी फुल है, 0 मिनट आ गई है क्या, हाँ ठीक है, अच्छा। तो अभी सिंपली मैं अपने चार्जर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ अपने स्मार्टफोन को और ये कर लिया कनेक्ट। जैसे जैसे हम एक्टिवेट करेंगे ये जो है एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे चार्ज पर लगने के बाद देखिए चार्ज लग पड़ा। और अब क्या है देखिए, यहाँ पर आपको ये बताता रहेगा 80 डिग्री सब कुछ यहाँ पर इसका वो आएगा, ये चल पड़ा चार्ज अलार्म के लिए, आपको बोलेगा कि ऑप्टिमाइजेशन से हटा दीजिए ताकि एप्लीकेशन जो है पूरी कर देंगे, यानी कि आपके फ़ोन में केवल बैटरी की सेटिंग्स में कुछ ऐप ऑप्टिमाइज के लिए होते हैं तो आपने उसे जो हटाना होता है। अब ये आपसे परमिशन मांगेगा कि क्या आप अपने इस मतलब इस ऐप को आप बैकग्राउंड में रन करना चाहते हैं, इसको अलाउ कर दीजिएगा तभी ये ऐप करेगा, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में चलेगा तभी इसे पता लगेगा ना कि बैटरी कितनी हो गई है। अभी ये जो है जैसे ही वो होगा वैसे ही जो है, जैसे आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा वैसे ये अलार्म जो है बजना स्टार्ट कर देगा। इसके अंदर आपको एक फीचर देखने को मिलता है वो है थर्ड अलार्म। सबसे पहले हमें इसके लिए पासवर्ड रखना पड़ेगा, पासवर्ड एरिया है, पासवर्ड मैं सेट कर लेता हूँ, जैसे कि पासवर्ड है मेरा 6969, ठीक है, 6969 कर लिया, 6969 ठीक है, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर, ये मेरी मेल आ गई और पासवर्ड है सेट, ओके। अब थर्ड अलार्म का क्या, ये एक्टिव हो गया, अब ये एक्टिव हो गया दोस्तों। अब क्या होगा, जैसे आपके मतलब इसको जैसे कोई हाथ लगाएगा या गलत पासवर्ड डालने की जो है कोशिश करेगा तब जो है ये आप जो है जो जो से अलार्म बजाना जो है स्टार्ट कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कल की वीडियो होगी, और मैं उम्मीद करूँगा कि गूगल मेरा अकाउंट जल्दी जल्दी थी जो है उसमें रिकवरी में कर दें, अगर नहीं करता है तो बहुत थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए, तो कुछ टाइम के लिए वीडियो नहीं आएगी, लेकिन जैसे वो ठीक हो जाएगा वीडियो जो है ना स्टार्ट हो जाएगी। तो जय माता दी बोलते हुए आपसे विदा लेता हूँ, बोलो जय माता दी।